कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर जहां अब तक लंबी कतारें देखने को मिल रही थी, वहीं अब वैक्सीन लगवाने को लेकर झगड़े भी शुरू हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला खरगोन जिले से सामने आया है, जहां वैक्सीन लगवाने के इंतजार में खड़ी महिलाएं अचानक आपस में लड़ पड़ी। महिलाओं ने एक दूसरे को पटकनी दी और बाल खींचे। यह वीडियो खरगोन जिले के कसरावद वैक्सीनेशन सेंटर का है, जहाँ कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं लंबी कतार में खड़ी हुई है और अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। लेकिन तभी अचानक वैक्सीन लगवाने को लेकर कुछ महिलाओं के बीच विवाद होता है और विवाद मारपीट में बदल जाता है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस कदर महिलाएं एक दूसरे के बाल खींचकर अभद्र भाषा का उपयोग कर रही हैं और जमीन पर एक दूसरे को पटकनी भी दे रही हैं। कड़ी मशक्कत के बाद महिलाओं को बीच बचाव कर छुड़वाया गया। वैक्सीन सेंटर की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना की गाइडलाइन की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना ही किसी ने मास्क लगाया है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग है। अब इसे प्रबंधन की लापरवाही या महिलाओं की अज्ञानता कहें, लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि हम कोरोना की तीसरी लहर को आमंत्रण जरूर दे रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।